होली स्टेज पे मैं संगीता बटेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ फ्रेंड्स के डिमांड थे कि हम क्रीम फ्रोस्टिंग को बताएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी यम्मी क्रीम फ्रोस्टिंग। बनाना बहुत आसान है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो घर में बहुत आसानी से ये बन जाती है। और आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी इसकी पीक बन के तैयार हुई है और आप इसे बहुत आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। तो किसी भी केक कपकेक के लिए आप इस क्रीम चीज फ्रोस्टिंग को घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चीज फ्रोस्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम चीज, क्रीम चीज़ हमने लेनी है और इसे लो स्पीड पे हमने बीट करना है। चीज फ्रोस्टिंग बनाते हुए हमें ध्यान यही रखना है कि हमें बिल्कुल लो स्पीड पे ही इसे बीट करना है। 150 ग्राम क्रीम चीज़ में जाएगा 50 ग्राम आइसिंग शुगर और जो भी आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं उसे डालेंगे। मैंने लिया है वनीला, 1/2 चम्मच हमने वनीला एसेंस का डाला है और इसे लो स्पीड पे बीट करेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से फ्लफी ना हो जाए। का समय ये लेगी। ध्यान यही रखना है कि हमें ये फटनी नहीं चाहिए, इसीलिए रुक रुक के और लो स्पीड पे ही हम इसे बीट करेंगे। हमारी ये क्रीम चीज जो है लाइट और फ्लफी हो गई है। अब मैंने ली है नॉन डेरी क्रीम, आप चाहें तो इसमें व्हिप्ड क्रीम के लिए आप लो फैट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ली है नॉन डेरी क्रीम, इसे भी बीट करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट का समय लगेगा इसे बीट करने में। ये अपने जितनी आप क्रीम लेंगे उससे ये ट्रिपल टाइम इंक्रीज हो जाएगी। आपने मतलब जब बीट करेंगे तो इसे पॉट को रोटेट करना है ताकि इक्वली सारी तरफ से बीट हो जाए। स्पीड शुरू में हम लो रखेंगे, बाद में हम बीच बीच में हाई स्पीड करेंगे। नॉन डेरी क्रीम को आप हमेशा फ्रीजर में ही स्टोर करेंगे। हमारी ये क्रीम भी बीट हो गई है। अब आप चाहें तो इसे इक्वल प्रोपोर्शन में ले सकते हैं, यानी कि जितनी आपने नॉन डेरी क्रीम ले ली है और जितनी क्रीम चीज ली है दोनों बराबर मात्रा में ले सकते हैं। अब मैं इन दोनों क्रीम्स को इक्वल प्रोपोर्शन में ले रही हूँ। हमने इस नॉन डेरी क्रीम की कोई पीक तैयार नहीं करनी है। पीक जैसे ही आने लगे, सॉफ्ट पीक आपको लगे कि आने वाली है, तभी आप इसमें क्रीम चीज को मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। दोनों को मिक्स करने के बाद अगेन हम बीट करेंगे। 1 से 2 मिनट का समय लेगा जब तक कि ये पूरी तरह से पीक पे ना आ जाए। आप देख रहे होंगे पीक जो है पूरी तरह से तैयार है। तो ये हमारी क्रीम चीज़ बिल्कुल बनके तैयार है। आप किसी भी केक की फ्रोस्टिंग के लिए क्रीम फ्रोस्टिंग अगर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है क्रीम फ्रोस्टिंग को घर पे बनाना। और अगर आप चाहते हैं कि आइसिंग शुगर को भी आप घर पे बना लें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख के आइसिंग शुगर भी घर पे बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।